फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। प्राकृतिक सौंदर्य देखते देखते हम लोग आ पहुँचे हैं दार्जिलिंग में, और ये है सबसे पहचाने हुए जगह जिसको घूम कहते हैं। यहाँ से टॉय ट्रेन छोड़ते हैं, टॉय ट्रेन बतासिया लूप तक जाते हैं और जाके फिर यहाँ पर चले आते हैं। की शेयर करना सभी को बहुत पसंद है, और ये है कोल की टॉयटेन की स्टीम इंजन, और यहाँ पर है देखिए कांचनजंगा की व्यू। ओ देखिए दूर है कांचनजंगा जो बर्फ़ से ढके हुए है। बहुत अच्छे लगते हैं इसे घूम से कांचनजंगा को व्यू करना। सभी लोग इसी के लिए ही आते हैं यहाँ पर। ये स्टीम इंजन अब स्टार्ट हो रही है, देखिए हॉर्न दे रहे हैं। हम लोग इसके बाद जो ट्रेन है उसमें जाएंगे, और वो कोल से नहीं है, वो डीजल से इंजन चलते हैं। हम लोगों को इस ट्रेन की टिकट नहीं मिली, तो हम लोग बाद में जाएंगे उसी इंजन ट्रेन में। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं पहाड़ों से साइड से जाते हैं ये ट्रेन। सिनेटिक व्यूज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप लोग भी देखिए। कोल की इंजन है तो ट्रेन चलने से पहले ऐसे इंजन को आग लगा के कोल दे के गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद ये ट्रेन होइसल देती है, सभी को अलर्ट कर देती है कि अभी ट्रेन चलने वाले हैं, सभी लोग उठ जाओ। उसके बाद ही ये धुआं उड़ा के आगे की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये टॉय ट्रेन को चढ़ना। ये है टॉय ट्रेन में चढ़ते चढ़ते बाहर की कुछ व्यू। तो आप लोग भी टॉय ट्रेन मेरे साथ चढ़ रहे हैं, तो कैसे लग रही है आप सबको? अच्छे लग रहे हैं ना दार्जिलिंग को घूमना? देखिए यहाँ पर लिखा है पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में आप सबका स्वागत करता है। टॉय ट्रेन चढ़ते चढ़ते अब हम आ गए हैं बतासिया लूप। यहाँ से ट्रेन में चढ़ते हुए बतासिया लूप की कुछ व्यूज मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखिए वहाँ पर देखिए क्लाउड से भरे हुए हैं, कुछ ही देर में क्लाउडी हो जाते हैं, कुछ ही देर में सनी डे हो जाते हैं। ऐसे ही पहाड़ों में वेदर की खेल खिलाई चलती रहती है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ऐसे खेल देखते हुए वेदर की। ये देखिए ये है स्टेशन, और ये चल रहे हैं हमारा टॉय ट्रेन। रेलगाड़ी छिक 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 रेलगाड़ी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ऐसे टॉय ट्रेन को चढ़ते हुए। देखिए कितने अच्छे लग रहे व्यूज। हम लोग ऊपर है और नीचे से गाड़ी जा रही है। और यहाँ की वेदर इतनी ब्यूटीफुल है कि ये देखिए एक कैमेलिया की प्लांट जिनमें बहुत बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखिए और ये प्लांट देखिए कितने बड़े हैं। ये देखिए नीचे से नीचे देखिए कितने फूल झड़ गए हैं, जैसे एक चद्दर बिछाए हुए है फूलों की पंखोरियों से। और देखिए कितने बड़े हैं ये कैमेलिया की प्लांट, और ये साइड में एक छोटा।
ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से क्लाउड आ गई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप सबको कैसी लग रही है दार्जिलिंग, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर पसंद हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।